पहली बार आए तो फीलिंग थोड़ा अच्छा है, बट अगर ये ओपन होता तो हमको और ज़्यादा अच्छा लगता, हम ऊपर जाके पूजा कर सकते तो और ज़्यादा अच्छा फीलिंग आती। बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा खराब लग रहा है क्योंकि हर साल ऊपर जाके पूजा करते थे लेकिन इस साल नीचे से ही। जोहार, नमस्कार, वेब समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबों को सावन की पहले सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं मंदिरों की। आज के दिन हर साल इतनी भीड़ होती है पहाड़ी मंदिर में, इस वक्त हम मौजूद हैं पहाड़ी मंदिर में, आज के दिन हर साल इतनी भीड़ होती है कि लोगों का कदम रख पाना दुश्वार हो जाता है, मगर इन दो वर्षों से कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में भक्तों को बड़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर के कपाट नहीं खुल रहे हैं, कहा जाए तो भक्तों का यह भी मानना है कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ की नाराज़गी है इसलिए कपाट नहीं खुल पा रहा है। जानते हैं भोलेनाथ के भक्तों से उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और कैसी नाराज़गी है बाहर से जो भगवान के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर से गेट के सामने से पूजा करना पड़ रहा है। जी, स्वागत है आपका वेब समाचार में और सावन की पहले सोमवारी की हार्दिक बधाई आपको। अभी जैसा कि हर साल लोग यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है पूजा पाठ के लिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, गेट के बाहर से पूजा करना पड़ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा खराब लग रहा है क्योंकि हर साल ऊपर जाके पूजा करते थे लेकिन इस साल नीचे से ही करना पड़ा। तो क्या कहते हैं, ऐसी आपकी चाहत है या फिर कुछ मनोकामना, क्या मनोकामना मांगा आपने, क्या ऐसा कुछ मनोकामना है कि अगले साल गेट खुल जाए भगवान का? ये मनोकामना है कि अगले साल गेट खुल जाए और जो कोरोना है वो ख़त्म भी हो जाए। जी, वैसे तो हालांकि सभी भक्तों की यही मनोकामना रहेगी कि अगले साल यहाँ का गेट खुल जाए, लोग ऊपर जाके दर्शन कर सके, और भी लोगों से जानेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे आकर के, गेट बंद है इसके बावजूद पूजा पाठ करके। एक्सक्यूज़ मी सर, जैसा कि पिछले दो साल से पूरा भारत विश्व कोरोना से जूझ रहा है और आज सावन के पहले सोमवारी है और गेट बंद है, क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या बोलेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है, पहाड़ी मंदिर ऐसा जगह पर गेट बंद है, बाबा विश्वनाथ का गेट बंद रहता और क्या कहना है इसमें, देखिए कब तक ये ठीक हो पाती हैं चीज़ें, दुख तो सबको है। जी, जैसा कि दुख सभी लोग जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में हमारी भी मनोकामना यही रहेगी कि लोग जल्द से जल्द, जो भी मनोकामनाएं हैं लोगों की पूरी हो जाए और जल्द से जल्द ये कोरोना वैश्विक महामारी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे बड़े औरतों, महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ बच्चों की भी भीड़ देखने को नज़र आ रही है। माना कि गेट बंद है लेकिन फिर भी इस आस में लोग आए हैं कि भगवान शिव के दर्शन दूर से ही सही हो तो रही है। आइए बात करते हैं और भी लोगों से, कैसा वे महसूस कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आज सावन की पहली सोमवारी है, ठीक है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं लग रहा है, बस यही प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना महामारी ख़त्म हो ताकि नेक्स्ट ईयर हम लोग सब दर्शन करने को पाएँ। जी, वैसे दूसरी बात ये कि सभी मतलब 90% लोग ये दुआ कर रहे हैं कि अगले साल ये वैश्विक महामारी ख़त्म हो जाए, आपको क्या लगता है ये ख़त्म हो जाएगा, अगले साल हम दर्शन कर पाएंगे भोलेनाथ के? ख़त्म होगा या नहीं वो तो नहीं पता, बट चाहती हूँ कि ख़त्म हो जाए, बट पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने। आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि, हाँ जी आइए। फर्स्ट टाइम आई हूँ पहाड़ी मंदिर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो पहली बार पहाड़ी मंदिर भगवान शिव के दर्शन के लिए आए हैं लेकिन बदकिस्मती कह सकते हैं कि कोरोना की विडंबना। आइए जानते हैं, मैडम आपका नाम क्या हुआ? नेहा पाठक। नेहा पाठक जी, आप पहली बार आई हैं पहाड़ी मंदिर? यस। कैसा लग रहा है पहली बार आप आई, कपाट बंद है, भोलेनाथ दर्शन नहीं दे रहे हैं? पहली बार आए तो फीलिंग थोड़ा अच्छा है, बट अगर ये ओपन होता तो हमको और ज़्यादा अच्छा लगता, हम ऊपर जाके पूजा कर सकते तो और ज़्यादा अच्छा फीलिंग आती। जी, भगवान जी का दर्शन कर पाते हैं, हम फर्स्ट बार आए हैं तो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार आए हैं और इस आस में आए हैं कि भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, शायद आइए। वाह, आइए पाठक। हाँ जी, एक सवाल करना है, बहुत खूबसूरत लग रही है पहली बात, दूसरी बात कि आज आप पहाड़ी मंदिर पहली बार आई हैं या फिर पहले आ चुकी हैं? पहली बार आई हैं। पहली बार आई हैं जी, कैसा लग रहा है पहली बार आके भी गेट बंद है, पूजा करने भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं? जी अच्छा तो नहीं लग रहा। हाँ जी अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या ऐसे हम बिहार से हैं।
बिहार से यहाँ रहते हैं? हाँ, टाटीसिल्वे में रहते हैं। टाटीसिल्वे में रहते हैं, टाटीसिल्वे से आप आए हैं यहाँ दर्शन? जी जी जी। दूर दराज से भी लोग आए हैं यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने, लेकिन बदकिस्मती है कि भोलेनाथ से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। एक्सक्यूज मी हेलो हेलो, एक सेकेंड, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बुंडू से आए हैं। मतलब स्पेशली पूजा करने बुंडू से आए हैं? बुंडू से स्पेशली पूजा करने आए हैं। कैसा लग रहा है इतने दूर से आप आए हैं और यहाँ पे गेट नहीं खुला हुआ है? अच्छा लग रहा है, लगने का तो मतलब गेट खुलता थोड़ा अच्छा होता। गेट खुलता तो अच्छा होता जी। तो ये दुआ है कि अगले साल तक कोरोना हट जाए, गेट खुल जाए, दर्शन मिल जाए। हाँ हाँ जी, धन्यवाद। हालांकि इस वक्त हम लोग पहाड़ी मंदिर के अंदर में हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि भक्तों को अंदर आने की परमिशन नहीं है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बाहर से सभी भक्त पूजा कर सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन उनके फिलहाल वो दर्शन नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने सुना लोगों की बातें, कई लोग पहली बार पहुंचे हैं पहाड़ी मंदिर भोलेनाथ के दर्शन को, लेकिन भोलेनाथ की नाराज़गी ऐसी है, वैश्विक कोरोना महामारी की रोक ऐसी है कि वे भोलेनाथ के दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं। खैर, लोगों ने ये मनोकामनाएं की है कि अगले साल जल्द से जल्द ये वैश्विक कोरोना महामारी से निजात मिले, अगले साल भोलेनाथ के दर्शन करने को मिले। बस इसी के साथ जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ। मैं काजल मेहता, नमस्कार।